स्वागत है आपका टीवी मसाला में और मैं हूँ आपके साथ कृष्णा चौधरी। तो अब समय हो चला है कुछ मसालेदार जाने का, क्योंकि मैं आ गई हूँ आपके लिए टीवी के चटपटे मज़ेदार शोज के मसाले लेकर। चलिए आज सबसे पहले बात करते हैं कुंडली भाग्य की। दरअसल जब से सृष्टि कोमा में गई है तब से राजवीर और प्रीता की तो हालत ही खराब हो गई है। प्रीता का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। प्रीता सृष्टि को याद कर रही है कि कैसे कितनी खुशी से सृष्टि दिवाली मनाती है, उसे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। लेकिन अब प्रीता सृष्टि के बिना दिवाली नहीं मनाना चाहती है। प्रीता के लिए बिना सृष्टि सब कुछ सोना सोना हो गया है। राजवीर भी सृष्टि को याद कर रहा है। वहीं पालकी और बुआ जी राजवीर और प्रीता को समझा रहे हैं कि हमें घर में रोशनी तो बनाए रखनी चाहिए ना। अब बुआ जी के समझाने से प्रीता मान गई है। अब वो नए कपड़े भी पहनेगी और पूजा भी करेगी और वहीं पूरे घर को चकाचौंध भी करेगी। चलिए अब जरा बवालों से भरे सीरियल में चलते हैं जिसका नाम है बरसातें। यहाँ बवाल का रंग बेहद साफ नजर आ रहा है। आराधना ने रियांश को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया है और आराधना ने थप्पड़ ऐसे ही नहीं मारा। रियांश के बल्ले की भावना ने आराधना की बहन की माया की जान ले ली है। जी हाँ, ये वही की माया है जो रियांश के साथ अपनी दुनिया बसाने के सपने देख रही थी। और जब की माया को रियांश की सच्चाई पता चली तो उसने अपनी जान ले ली। और ये सब हुआ है रियांश की वजह से, क्योंकि रियांश बहुत अच्छे से जानता था कि की माया कितनी सेंसिटिव है। आराधना उससे कहती रही कि जब ये सब की माया को पता चलेगा तो वो टूट जाएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। किसी से बदला लेने के लिए आज रियांश ने सब बर्बाद कर दिया। रियांश की वजह से किमाया ने नींद की गोलियां खा ली हैं, जिसका ओवरडोज हो गया था, और इस वजह से किमाया की जान चली गई है। अब वही आराधना रियांश को पुलिस स्टेशन लेकर पहुंच गई है। अब ना जाने आराधना क्या करेगी, क्योंकि एक बार फिर से रियांश ने आराधना को तोड़ दिया है। चलिए अब जरा बात करते हैं तेरी मेरी डोरियां की, जिसमें बड़ा ही दिलचस्प ट्विस्ट आ गया है। अब सीरियल में आ गया है अंगद का हमशक्ल। जी हाँ, और अंगद हो गया है बेहद परेशान। फिलहाल तो साहिबा और अंगद में सब कुछ ठीक हो गया है और साहिबा गुलाब का फूल देकर अंगद को मना लेती है। लेकिन अब हो गई है नई किरदार सनी सूद की एंट्री, और अब जो भी अंगद से मिल रहा है वही उसे सनी सूद कह रहा है। इससे अंगद और साहिबा बहुत परेशान हो गए हैं कि अंगद को ऐसे सनी सूद क्यों कह रहे हैं। अब ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए अब जरा फिल्मी दुनिया की सैर पर चलते हैं। बॉलीवुड के सुल्तान यानी सलमान खान इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर 3 को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। भाईजान की फिल्म को लेकर फैंस भी खासा एक्साइटेड हैं। हर फैन बस 12 नवंबर को इंतजार कर रहा है। इस बीच मेकर सलमान के चाहने वालों के लिए एक खुशखबरी लेकर आए हैं। खबरों के मुताबिक सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 के शो 24 घंटे चलने वाले हैं। 12 नवंबर को रिलीज होने के बाद 13 नवंबर से फिल्म के शो एक हफ्ते तक 24 घंटे सिनेमाघरों में चलाए जाएंगे। इसकी शुरुआत नई दिल्ली और मिडल ईस्ट से की जाएगी। नई दिल्ली के रिंग रोड में से सिने स्टार मिनीप्लेक्स में सुबह 2 बजे से फिल्म की स्क्रीनिंग शुरू करने का फैसला लिया है। हम देश भर के कई सिनेमाघरों में सोमवार 13 नवंबर से टाइगर 3 को 24/7 देखेंगे, जो कि लक्ष्मी पूजा के बाद नए साल की बड़ी छुट्टी है। फिल्म को लेकर भारी डिमांड के कारण ऐसा करने का फैसला लिया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन आए दिन सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं। हाल ही में उनकी वेब सीरीज आर्या 3 रिलीज हुई है। इस सीरीज के रिलीज होने के बाद से सुष्मिता हर जगह छाई हुई है। हर कोई उनकी एक्टिंग की तारीफ कर रहा है।
सुष्मिता सेन अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं। सुष्मिता सेन 7 नवंबर को फिल्म मेकर रमेश तेरानी की दिवाली पार्टी में गई थी। इस पार्टी में सुष्मिता के साथ उनके एक्स बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल भी पहुंचे थे। उनके साथ में फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सुष्मिता सेन और रोहमन शॉल का काफी टाइम पहले ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन अब जिस तरह से दोनों साथ में नजर आते हैं, उसके बाद से फैंस कयास लगा रहे हैं कि दोनों का फिर से पैचअप हो गया है। दिवाली पार्टी में भी दोनों हाथों में हाथ डाले नजर आए थे। आज के लिए टीवी मसाला में इतना है। कल इसी समय पर फिर से मुलाकात होगी चटपटी मसालेदार धमाके के साथ। अगर आपको टीवी मसाला की चटपटी खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही देखते रहें स्पाइस न्यूज़ भारत।